Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Nyaya Academy. In this video, we will be discussing a very important aspect of Indian polity, जहां हमने ये चर्चा करनी है दोस्तों कि क्या राज्यसभा जरूरी है, is it राज्यसभा really necessary or not? तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, reason being कि ये भारत के संविधान की एक अभिन्न अंग की ऐसी चर्चा है. कारण क्या है कि दोस्तों बहुत समय से इंडिया का जो बाइकैमरलिज्म है, इंडियाज बाइकैमरलिज्म हैज बीन इन न्यूज, और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बाइकैमरलिज्म की जरूरत है या नहीं है. तो आज इस वीडियो के द्वारा आपको ये पता चलेगा कि क्या राज्यसभा की जरूरत है, राज्यसभा की एग्जिस्टेंस कहां से शुरू हुई एंड किस तरीके से आज की राज्यसभा इवॉल्व होके हमारे सामने आ रही है, एंड क्या कोई प्रोसेस है जिस तरीके से आज की एग्जिस्टिंग राज्यसभा को सुधारा जा सकता है, उसको भारत के जो राज्य व्यवस्था है, भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटी है, उसमें किस तरीके से इसे यूज किया जा सकता है. चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की, इज राज्यसभा रियली नेसेसरी. तो ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा, जानना होगा कि राज्यसभा की हिस्ट्री क्या है. इतिहास जाने बिना कभी भी आगे नहीं जाना चाहिए. इनफैक्ट यूपीएससी की बात कीजिए या किसी भी हमारे भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लीजिए, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि हमेशा हमें हिस्ट्री से शुरुआत करनी चाहिए हर एक टॉपिक की. हमें आप अगर देखेंगे तो हमारे पूरे चैनल के अंदर हम हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं. तो आज इस राज्यसभा की वीडियो में भी हम यही चीज करने वाले हैं. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये चीज नोट कर लेना बहुत जरूरी है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ही जो है पहली बार भारत के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर का इंट्रोडक्शन होता है. ब्रिटिश इंडिया उस समय एग्जिस्ट करता था और ये हुआ था थ्रू मोंटेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919. 1917 में मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट आई थी, मोंटेग्यू रिपोर्ट आई थी, उन्हीं उसी रिपोर्ट के ऊपर 1919 के ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो है निकल कर आए थे, जिसमें पहली बार बाइकैमरल लेजिस्लेचर डिक्लेयर किया गया था. नाउ काउंसिल ऑफ स्टेट्स उस समय उसको बोला जाता था, उसमें 60 मेंबर्स होते थे, जिसमें से 34 वर इंडियन एंड दे वर टू बी इलेक्टेड बाय अ नैरो एंड इलीट ग्रुप. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं एग्जिस्ट करती थी, सब के सब व्यक्ति जो है वोट नहीं कर सकते थे. इनफैक्ट पर्टिकुलरली वुमेन तो वोट तो छोड़िए, वोट करने की बात दूर की है, वो काउंसिल में मेंबर भी नहीं थी. एंड डायरेक्ट इलेक्शंस वर कंडक्टेड अंडर अ फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनल फ्रेंचाइज. कम्युनल फ्रेंचाइज एग्जिस्ट करती थी जहां पे कुछ हद तक सिख भी इन्वॉल्व थे, जहां पे मुस्लिम्स को भी अलग से इलेक्टोरेट दिया गया था. तो वो जो कम्युनल इलेक्टोरेट एग्जिस्ट करते थे भारत के अंदर, ये चीजें हम अपनी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के अंदर कवर करेंगे. मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एज वेल. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 1861 तक का हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट. मेक श्योर कि आप उस वीडियो को ध्यान से देखें और आगे की भी वीडियोस को रिलीजियसली फॉलो करते रहिएगा दोस्तों, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो ये गहराई में हम वहां पे चर्चा करेंगे. अभी आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उस समय पहली बार भारत के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्टेंस में आता है. एंड उस समय भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज को अपोज किया था कि आपको कम्युनल फ्रेंचाइजी नहीं क्रिएट करनी चाहिए, बट स्टिल वो हो गई थी. एंड 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हमने वो चीज नोट करी. नाउ इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस के आगे और पीछे की अगर बात की जाए, तो बाइकैमरल का जो क्वेश्चन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के अंदर बहुत जोर शोर से उछला था. चलिए देखते हैं कि उन डिबेट्स के अंदर क्या क्या बातें हुई थी. देखिए दोस्तों, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को ध्यान से कवर करते हैं तो बहुत सारे प्रिलिम्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हो सकते हैं. एंड इनफैक्ट उसके साथ साथ मेंस में जो आप आंसर्स लिखते हैं तो वो आंसर्स की क्वालिटी भी एनहांस हो जाती है. सो आई वुड सजेस्ट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को आपको देखना चाहिए. उसके ऊपर राज्यसभा टीवी की पूरे तरीके से एक सीरीज भी चली थी. आई वुड रेकमेंड कि उन सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके मेंस के मार्क्स एनहांस हो सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है. नाउ चलिए देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. देखिए आज की जो राज्यसभा है वो 3rd ऑफ अप्रैल 1952 में एग्जिस्टेंस में आई थी और उसका पहला सेशन 13 मई को हुआ था. अभी इसी महीने उसकी वर्षगांठ भी रही है. नाउ
जो ये सेकेंड चेंबर है, इट अंडरवेंट सिवियर प्रीनेटल स्क्रूटनी। प्रीनेटल स्क्रूटनी का मतलब है कि जब पैदा होने से पहले भी और पैदा होने के दौरान भी, इस सेकेंड चेंबर की अगर हम बात करें, हमारी राज्यसभा की बात करें, तो उसकी स्क्रूटनी रही थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लंबी लंबी डिबेट्स चलती रही, उन्हीं डिबेट्स में से निकल कर आया कि ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स आज एग्जिस्ट करता है, जो ये राज्यसभा आज एग्जिस्ट करती है, और उसका क्या मैंडेट रहा। तो वही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती है, हमारे संविधान के अंदर देखने को मिलती है। तो उन डिबेट्स में जो जो चर्चाएं की गई वो बेसिकली राज्यसभा के प्रोज, ये इसको प्रोस नहीं बोलते, प्रोज और कॉन्स में तब्दील हो सकता है, एंड वो आपके मेंस में आपके आंसर राइटिंग को एनहांस कर सकता है। तो इसी वजह से इन सारी डिबेट्स को हमने ध्यान से कवर करना है। नाउ आफ्टर 68 इयर्स इट इज इंस्ट्रक्टिव टू रिविजिट दीज डिबेट्स ऑन द नीड फॉर अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हमें सेकेंड हाउस की जरूरत है भी या नहीं, ये सवाल जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के थ्रू निकाला जा सकता है। तो भारत के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर ये कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ही वाज द फर्स्ट स्पीक, ही स्पोक एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उन्होंने एक बात बोली कि एक जनरल एक इंप्रेशन है, ये सोच है कि ये जो हाउस है इट कैन नॉट मेक और अनमेक गवर्नमेंट्स, और इस वजह से ये एक सुपरफ्लूअस बॉडी है। ये बात उन्होंने बोली, पहली जो उन्होंने एड्रेस दिया तो उसमें ये बात बोली गई। बट देर आर फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस हैं इस हाउस के पास which a revising chamber can fulfill fruitfully। एक ऐसा चेंबर जो बेसिकली लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर एक रिवाइजिंग चेंबर का काम कर सकता है। जहां पे लोकसभा एग्जिस्ट करती है, वो कानून बनाती है, उसके बाद उस कानून को रिवाइज करने का एक काम कर सकता है ये राज्यसभा या ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हमारा जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जिसको आप कह सकते हैं, जो राज्यसभा है। नाउ इसका अगर इस तरीके से यूज किया जाए, अगर इस तरीके के फंक्शंस ये फॉलो करता है, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। पार्लियामेंट इज नॉट ओनली अ लेजिस्लेटिव बॉडी बट इट इज ऑल्सो अ डेलिबरेटिव बॉडी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कानून नहीं बनता है बल्कि डेलिबरेशन भी होती हैं। सो फार एज इट्स डेलिबरेटिव फंक्शन आर कंसर्न, इट विल बी ओपन टू अस टू मेक वेरी वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड इट विल डिपेंड ऑन आर वर्क वेदर वी जस्टिफाई टू चेंबर सिस्टम which is now an integral part of our constitution। हमारे संविधान का एक integral part बन चुका है ये bicameral system, ये two chamber system। तो उसे अब हमें justify करना होगा with valuable contributions। ये बात कही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पहले address के अंदर। Now constituent assembly debates में से कुछ बातें निकल कर आती हैं, वो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। Make sure कि आप इसे notes के form में जरूर लिखते रहिएगा। दोस्तों न्याय अकेडमी के जो हमारा YouTube का चैनल है, इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं, आप सबसे अनुरोध होगा कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा उसके अंदर से। कारण क्या है कि यही नोट्स आपके करंट अफेयर्स के नोट्स बनने वाले हैं, वही करंट अफेयर्स जो आप सीधे तौर पे अपने मेंस में अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस रिजीम। नाउ मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज दे हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, वहां पे दो हाउसेज हैं, एंड दे डू सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ फेडरल पॉलिटी। सो बेसिकली यहां पे ये इशारा किया जा रहा है कि हमारे फेडरलिज्म का एक अहम हिस्सा है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। द रोल ऑफ अपर हाउस इज टू बी अ डेलिबरेटिव बॉडी जो बेसिकली बैलेंस मेंटेन कर सकता है। एंड जेम्स मेडिसन ने यह बात की, ही वॉज द ऑथर ऑफ फेडरलिस्ट पेपर्स, एंड उन्होंने कहा कि इट कॉल्ड फिकलनेस एंड पैशन ऑफ एन इलेक्टेड लोअर हाउस। उसकी वजह से उसको बैलेंस करने के लिए ऐसी डेलिबरेटिव बॉडी की जरूरत रहेगी जिसे आप अपर हाउस कह सकते हैं। उसी के साथ ही मोहम्मद ताहिर जी ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के अंदर ये बात बोली कि अपर हाउस वॉज नॉट एसेंशियल एंड इट इज व्यूड एज एंड ही व्यूड इट एज अ क्रिएशन ऑफ इंपीरियलिज्म। कारण क्या है कि इसका उस समय का नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ये बेसिकली इंपीरियलिज्म की एक क्रिएशन है। इस वजह से मोहम्मद ताहिर जी ने इसे जो है अपोज किया था। तो इसी के साथ साथ एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर शिवन लाल सक्सेना, तो उन्होंने एक बात बोली दैट इट वाज अ क्लॉग इन द व्हील ऑफ प्रोग्रेस। कारण क्या है कि बार बार जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस चलाए जाएंगे तो ये एक रुकावट के तरीके से काम करेगा। दिस चेंबर इज सपोज टू बी अ क्लॉग, ये रुकावट कर सकता है, ये रोक सकता है
द प्रोसेस ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस। तो इस वजह से इसका बहुत वेहमेंटली ऑपोजिशन भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के अंदर। द नीड ऑफ द आवर वाज क्विक लॉ मेकिंग, फटाफट से एक चुटकी बजाते हुए कानून बन जाए, और ये जो सेकेंड चेंबर है ये उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था। इस वजह से हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं है, हमें बनाना ही नहीं चाहिए सेकेंड हाउस। लेकिन इन फेवर ऑफ राज्यसभा भी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स आए, एंड उनमें से प्रोमिनेंट थे नजीरुद्दीन अहमद का, एम अनंत सयनाम अयंगर का और एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो इनके तीन के मेजर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स थे जो राज्यसभा के फेवर में रहे। नाउ व्हाट दे सेड वाज दिस वुड इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ सोब्राइटी एंड सेकंड थॉट बिसाइड्स लेंडिंग वॉइस टू द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स इन द लेजिस्लेटिव स्कीम ऑफ थिंग्स। नाउ बॉयज, ऐसा है दोस्तों, देखिए इसको आपने नोट कर लेना है, नोट्स में आपने इन सारे पॉइंट्स को अपने शब्दों में पैराफ्रेज करके अगर आप लिख लेते हैं एंड ये नाम अगर आप नोट कर लेते हैं, तो देखिए मान के चलिए कि बाइकैमरलिज्म के ऊपर ऐसे तो बन सकता है, एंड अगर ऐसे नहीं भी बन सकता है तो देखिए बाइकैमरलिज्म की जगह पे फेडरलिज्म के ऊपर तो ऐसे बन ही सकता है ना। तो ये ऐसे के अंदर आप बाइकैमरलिज्म को यूज करते हुए इन नामों को अगर आप यूज करते हैं और आप कहते हैं कि भैया ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में से निकली गई बातें हैं, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर यू नोट दीज थिंग्स। नाउ दिस लेंड्स अ वॉइस टू द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। कौन सी हैं कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स? हमारे स्टेट्स, हमारे राज्य, हमारे प्रांत, दे आर द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। और ये थोड़ा सा सेंसिबिलिटी ऐड करता है, एक एलिमेंट ऑफ सोब्राइटी ऐड करता है, एंड लेजिस्लेटिव स्कीम ऑफ थिंग्स में कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स की थोड़ी सी आवाज को बुलंद करता है। ये बात बोली नजीरुद्दीन अहमद जी ने, साथ के साथ एम अनंत स्वामी अयंगर जी ने बोला दैट अ सेकंड चेंबर वुड एनेबल द जीनियस ऑफ द पीपल टू हैव फुल प्ले बिसाइड्स चेकिंग हेस्टी लेजिस्लेशन। तो हेस्टी, जल्दबाजी में बनाया गया कानून उसको चेक में रखने के लिए एम अनंत सायनम अयंगर जी ने कहा सेकंड चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत जरूरी है। एन गोपाल स्वामी अयंगर जी ने क्या कहा, he made a strong case for the second chamber, replying to the debate on motion. He argued that most that we can expect out of this second chamber to do is perhaps to hold dignified debates on important issues. At least hum debates to kar sakenge, and to delay legislations which might be the outcome of passion. जो पैशन में आकर आप अगर कोई लेजिस्लेशन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलरली लोकसभा की तरफ से अगर कुछ ऐसा आता है, तो आउट ऑफ पैशन ऑफ द मोमेंट अंटिल द पैशन हैव सबसाइडेड एंड काम कंसिडरेशन कुड बी बिस्टोर्ड ऑन द मेजर्स विच विल बी बिफोर द लेजिस्लेचर, ये उसमें मदद करने वाला है। कहां? लोकसभा के अंदर अगर किसी पैशन के चलते कोई भी कानून बन जाएगा तो उसको काम कंसिडरेशन के साथ, शांतिपूर्ण तरीके के साथ राज्यसभा कंसिडर कर सकता है। तो इस वजह से राज्यसभा बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ये सारी बातें कहेगी। नाउ बाइकैमरलिज्म की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिएगा कि पर्टिकुलरली आज पूरी दुनिया के अंदर 79 पार्लियामेंट्स ऐसे हैं, 41% ऑफ द टोटल नंबर जो कि बाइकैमरल है, जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करते हैं। नाउ दिस bicameralism is a principle that requires the consent of two differently constituted, ye differently constituted chambers of parliament for making or changing laws. yahan pe ye jo phrase hai differently constituted, ye bahut zaruri hai. isko hum jab suggested reforms mein padhenge abhi do slides baad, to aap samajhiyega ki wahan pe aap isko change kar sakte hain. abhi kya hai ki hum use differently kis tarike se constitute karte hain, hum indirect elections laga dete hain. बेसिकली हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस को यूज कर लेते हैं इस केस के अंदर. सो यहां पे हम डिफरेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ये बेसिकली रिफॉर्म्स का पार्ट हो जाएगा, है ना. उसकी अगर इस प्रिंसिपल की हम बात करें तो दिस केम इनटू ऑपरेशन इन 1787 विद द अडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन. यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको जब अडॉप्ट किया 1787 के अंदर, उस समय ये बाइकैमरलिज्म एज अ प्रिंसिपल निकलकर सामने आता है. आज 41% पूरी दुनिया के ऐसे लेजिस्लेचर्स हैं, पार्लियामेंट्स हैं, जो इस बाइकैमरल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं. दो हाउसेस हैं वहां, है ना. तो अब फेडरलिज्म क्या है उसे समझ लेते हैं, और कैसे फेडरलिज्म जो है बाइकैमरलिज्म से रिलेटेड है इसे हम समझ लेते हैं. तो ये जो लिंकेज है ये बहुत जरूरी है. हम जनरली बाइकैमरलिज्म और फेडरलिज्म को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दोनों की दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. नाउ फेडरलिज्म हैज बीन इन वोग सिंस एंशिएंट टाइम्स. हम बहुत समय से
आप कह लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चला था, इवॉल्व हुआ था। नाउ द स्टेट्स, सम स्टेट्स गॉट टुगेदर टू कॉन्फर द पावर ऑफ लॉ मेकिंग ऑन अ सेंट्रल अथॉरिटी, ये हो जाता है फेडरलिज्म। बट मॉडर्न फेडरलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। कारण क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी, रीजनल सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। इस वजह से कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन और यूनियन दे आर मार्किंग टूवर्ड्स अ न्यू काइंड ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म 2.0 उसे आप बोल सकते हैं। इट इज मोर सो इन इंडिया। यूएस की अगर हम बात करें, इट इज अ यूनियन ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड सो इज इंडिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ईच यूनिट हैज अ सेट ऑफ यूनिक फीचर्स, ये बात सही है। लेकिन भारत के अंदर जो फेडरलिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स जो हैं वो आए सब लोग मिले, यूपी के मिले, बिहार के मिले, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, ये सारे के सारे जो हमारे स्टेट्स हैं वो मिले आए और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, ऐसा नहीं है। यूनियन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स उसके साथ एग्जिस्ट करता है, तो इट इज नॉट लाइक यूएस। तो ये डिफरेंस हमें अपने जहन में हमेशा रखना है। नाउ फेडरलिज्म का बाइकैमरलिज्म के साथ लिंक क्या है? तो ये लिंक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिंक अपने जहन में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। नाउ फेडरलिज्म एंड बाइकैमरलिज्म आर लिंक्ड बिकॉज फेडरल कैरेक्टर ऑफ अ नेशन कंप्राइजिंग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स कैन बी रिफ्लेक्टेड इन एंड सिक्योर्ड बाय अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। एक जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर का जो हमारा ढांचा है जहां पे दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एग्जिस्ट करते हैं, वहां में दो में से एक हाउस ऐसा हो सकता है जो फेडरल यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सके, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सके सेंटर के अंदर। तो एक तो डायरेक्टली इलेक्टेड हमारा हो जाता है एक हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं, और दूसरा हमारा फेडरल पॉलिटी को सिक्योर करता हुआ दूसरा हाउस हो सकता है जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं। तो फेडरलिज्म से डायरेक्टली लिंक्ड है बाइकैमरलिज्म। डिस्पाइट बीइंग कॉन्शियस ऑफ द ह्यूज डिग्री ऑफ डाइवर्सिटीज एंड इनइक्वालिटीज जो कि भारत के अंदर एग्जिस्ट करती थी इवन ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स पीरियड, उस समय जब ब्रिटिशर्स का राज था भारत के ऊपर, एंड बीइंग अवेयर ऑफ द इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तब भी एक प्रपोजल रखा गया था राज्यसभा का कि एक सेकंड चेंबर ऑफ होना चाहिए ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड इट हैड नो इजी सेलिंग इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जैसा कि हमने हीटेड डिबेट्स में से कुछ एक्सर्प्ट्स अभी पिछली स्लाइड्स के ऊपर देखे भी। सो इस वजह से हमें समझना होगा कि बाइकैमरलिज्म एज सच उधार में नहीं, ऐसे सीधे तौर पर डायरेक्टली हमने कहीं से उठाया नहीं, देर वॉज नो डायरेक्ट कॉपी पेस्टिंग ऑफ बाइकैमरलिज्म, उसके ऊपर हीटेड डिबेट्स हुई, प्रो और कॉन्स उसके सारे देखे गए, एंड देन इट वॉज सब्जेक्टेड टू सीरियस आर्ग्यूमेंटेशन एंड इट हैड अ नैरो एस्केप। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसने एस्केप किया, आज जो एग्जिस्टेंस है राज्यसभा की वो कैसे आई। नाउ द कंटेम्प्रेरी आर्ग्यूमेंट जो आजकल चल रही है अगेंस्ट इट, इट कम्स फ्रॉम टू प्राइमरी एंगल्स, ये दो एंगल्स से इसके खिलाफ एक आर्ग्यूमेंट चल रही है। पहला एंगल ये है, वो ये सजेस्ट करता है कि लोकसभा हैज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सेवरल रीजनल पार्टीज मोर देन एडिक्वेटली रिप्रेजेंट्स अ फेडरल कंट्री। तो जब लोकसभा के अंदर ऑलरेडी सारे के सारी रीजनल पार्टीज की अगर आप बात करें, सारे स्टेट्स की आप बात करें, तो सब अगर आ ही गए हैं तो अलग से हमें राज्यसभा की क्या जरूरत है। द रीसेंट रिवर्सल ऑफ लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फेडरल कैरेक्टर ऑफ लोकसभा इन प्रैक्टिस। अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस आया था लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड, वो लोकसभा के अंदर रिवर्स हो गया था। तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है, जो पहला है हमने ये समझ लिया कि लोकसभा ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर तो रहा है, हमें क्या जरूरत है, है ना। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कहता है राज्यसभा हैज बिकम अ हेवन फॉर लूजर्स इन इलेक्शंस, जो लोग इलेक्शंस हार जाते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी वो हार गए थे इलेक्शंस, एंड रादर उनके इलेक्शंस तो हुए ही नहीं थे, उनको सीधा राज्यसभा से सीट दिलाई गई और उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया, बेसिकली इस तरीके से। एंड आज की डेट में भी हमारे पूर्व कह लीजिए, अब तो वो उनका निधन हो गया, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं उनके भी यही प्रोसेस रहा, क्रोनी कैपिटलिस्ट को जगह मिल जाती है एंड कॉम्प्रोमाइज्ड जर्नलिस्ट एंड पार्टी फंड रेजर्स उनको इस सेकेंड चेंबर ऑफ कॉमर्स से, राज्यसभा से एंट्री मिल जाती है भारत के संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जो एक एंगल है ये करप्शन को बढ़ावा देता है,
ये बेसिकली करप्शन को बढ़ावा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जनरली आप डिस्कस करना भूल जाते हैं। दोस्तों याद रखना है इस चीज को कि इस सेकंड एंगल को जरूर हमने डिस्कस करना है। नाउ फार फ्रॉम बीइंग डेलिबरेटिव, राज्यसभा अपीयर्स टू हैव डिसेंडेड इनटू सेम फिकलनेस एंड पैशन, जो कि लोकसभा की जिसकी बात की जा रही थी, है ना, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। एंड इट हैज शोन अ डिसकंसर्टिंग ट्रेंड अवे फ्रॉम द डेकोरम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। तो जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें ये हार रहा है, उसमें इसमें गिरावट आ रही है। तो राज्यसभा की ये दो इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स हैं, इन दोनों को आपने मद्देनजर रखते हुए अपने एसए से रिलेटेड और मेंस में पर्टिकुलरली GS2 से रिलेटेड आपने नोट्स में इसको लिख लेना है, बहुत जरूरी चीज। नाउ आज की डेट में जो रिफॉर्म सजेस्ट किए जा रहे हैं राज्यसभा के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अबॉलिश राज्यसभा। ये मत सोचिएगा कि आप चुपचाप इसको एबॉलिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है विदाउट अडॉप्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कारण क्या है कि अगर आप इसको करने भी जाएंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फरमान जारी हो जाएगा, तो आप इसको एबॉलिश तो नहीं कर सकते। तो जो लोग ये चाहते हैं कि ये एबॉलिश हो जाए, तो ये तो बेसिकली ख्वाब देख रहे हैं, ये दिन में सपने देखने जैसी बात है। इट वोंट हैपन। इट इज मच मोर प्रैक्टिकल टू ट्राई एंड रिफॉर्म राज्यसभा रादर देन सीकिंग टू एबॉलिश इट। तो थोड़ा सा तो कोशिश कीजिए रिफॉर्म लाने की। एक ऐसा स्टेप हो सकता है दैट वुड बी टू हैव मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डायरेक्टली इलेक्टेड, उनको डायरेक्टली सिटीजंस के थ्रू इलेक्ट कीजिए ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत। आप जैसे आप लोकसभा में इलेक्शंस कर रहे हैं, आप सीधे सिटीजंस को, सिटीजंस ऑफ स्टेट को आप बोलिए, वो इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन प्रोवाइड कर दीजिए। नाउ दिस विल रिड्यूस क्रोनी कैपिटलिज्म, और वो लोग जो डायरेक्टली इस राज्यसभा में आके बैठ जाते हैं, पेट्रनेज अपॉइंटमेंट्स जिसको आप कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कॉम्प्रोमाइज जर्नलिस्ट की एक पेट्रनेज अपॉइंटमेंट हो जाती है, क्रोनी कैपिटलिस्ट आके बैठ जाते हैं, यू नो वेरियस अदर पीपल जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करते हैं उनको जगह मिल जाती है। एंड ऐसे जो लोग जो इलेक्शंस हार गए हैं उनको जगह नहीं मिलेगी अगर आप उसमें डायरेक्ट इलेक्शन का एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं। सिमिलरली दिस स्टेप वुड शुड बी कंबाइंड विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच स्टेट। अब ये जो है ये बेसिकली एक पन्ना उठाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां आप कह सकते हैं कि हर स्टेट से आप 5 मेंबर कर दीजिए। तो यूपी जैसे बड़े बड़े राज्य जो हैं, यूपी है, महाराष्ट्र है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो इस तरीके के बड़े बड़े जो राज्य हैं, राजस्थान जैसे राज्य हैं, तो ये बड़े राज्य आपको डोमिनेट नहीं करेंगे। सो दैट लार्ज स्टेट्स डू नॉट डोमिनेट दी प्रोसीडिंग्स इन द हाउस। इनफैक्ट ऐसा ना हो कि अगर एक राज्य हाथ में आ जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो पॉलिटिकल पार्टी इनडायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर अपना कह लीजिए कि मेजॉरिटी शो कर पाए, तो वो नहीं होगा। तो अगर आप इगैलिटेरियन सिस्टम लगा देते हैं जहां 5 मेंबर्स की लिमिट लगा देते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, सेकेंडली आप डायरेक्ट इलेक्शंस लगा देते हैं, तो वो बेसिक रिफॉर्म्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं। सेकेंडली ऐसे रिफॉर्म्स जो हैं, आप इवन इफ यू डोंट एबॉलिश राज्यसभा, जो कि हाईली अनलाइकली है, यू नो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तब भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से राज्यसभा, हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम, उसे रिफॉर्म कर सकते हैं। नाउ द स्ट्रीमलाइंड राज्यसभा शुड रिमेन डेलिबरेटिव, बट देयर शुड बी डेडलाइंस सेट फॉर रिस्पॉन्डिंग टू बिल्स इनिशिएटेड इन लोकसभा। थोड़ा आप डेडलाइंस को भी फिक्स कीजिए कि कितने समय के अंदर राज्यसभा को रिस्पॉन्ड करना होगा। राज्यसभा कहीं जाने नहीं वाली, इट इज हेयर टू स्टे, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट इफेक्टिव time bound contributor to India's parliamentary system, only then will India be able to make progress slowly. तो ये चीज हमें समझनी होगी, इस वजह से राज्यसभा की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। एंड इनफैक्ट आपको आज हमने रिफॉर्म्स बताए, हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से राज्यसभा नेसेसरी है, हमने ये देखा कि फेडरलिज्म एंड बाइकैमरलिज्म का क्या लिंक है, उल्टा चल रहा हूं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ रिवाइज करा रहा हूं। फेडरलिज्म क्या है, बाइकैमरलिज्म कहां से निकल कर आया, what are the arguments in favor of Rajya Sabha and what are the arguments against Rajya Sabha, ye sari cheeze humne constituent assembly ki debates mein se dekhi. And particularly aap se anurodh hai ki aap agar history of Rajya Sabha mein jana chahte hain to hamari us video ko zarur follow kijiyega jo hum government of india act 1919 ke upar banane wale hain, montagu chelmson reforms ke bare mein jo video rahegi, hamari historical underpinnings of indian constitution ki jo series hai, main short mein likhta hu huic।
तो इस सीरीज को तहे दिल से जरूर फॉलो कीजिएगा, एंड इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जो हमारा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स विद रिगार्ड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन. हम हर एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उन सभी एग्जामिनेशन में जहां जहां भी जो भी सीरीज जो भी क्लासेस शुरू करेंगे, उन सभी क्लासेस में आपसे हमारा वादा है कि आपकी एस्पिरेशंस को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, न्याय होगा आपके साथ, आपकी जरूरतों के साथ. कारण क्या है कि बहुत सारी एकेडमीज के साथ यही चीजें होती हैं जहां पे वो आपकी एस्पिरेशंस के साथ जस्टिस नहीं कर पाती हैं. हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम आप लोगों के साथ न्याय करें, इसी वजह से हमारी एकेडमी का नाम भी, यूट्यूब चैनल का नाम भी न्याय एकेडमी है. सो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, एंड दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, एंड मेक श्योर टू फॉलो द एंटायर एम्बिट ऑफ सीरीज जो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज मी साइनिंग ऑफ from NYAI Academy of Wisdom. Take care, have an awesome day ahead.